नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीदरा आप सभी का स्वागत करता हूँ गुजराती चेस जोन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्टेलमेट के बारे में। स्टेलमेट, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि स्टेलमेट इज ए गेम ड्रॉ होती है, और स्टेलमेट की सिचुएशन जिसको भी पता नहीं है, मेरे स्टेलमेट वाले वीडियो पुराने जो है वो देख लीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है स्पेशली फॉर एडवांस लेवल प्लेयर के है, मतलब एक्सपर्ट प्लेयर है उनके लिए ही स्टेलमेट के वीडियो है। तो इस वीडियो में कैसे कैसे बहुत सारे मज़ेदार स्टेलमेट के मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि कई बार आप गेम हारने से बच जाते हो अगर आपको स्टेलमेट का जो फंडा पता है, तो आप कैसे गेम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पोजीशन आपके सामने जो है, वाइट का रुक बिहाइंड द पासपॉन ऑन b5 और ब्लैक का रुक a8 पे है, और ब्लैक सिंपली विनिंग के बिल्कुल करीब है। करीब इसलिए माना जाएगा कि ब्लैक का किंग ये बर्गर स्क्वायर के अंदर है और वाइट का किंग काफी दूर है। यहां पे वाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन b6 फर्स्ट। अब ब्लैक क्या खेलेगा? ऑब्वियसली a2 खेलेगा, क्योंकि आपके ऊपर जल्दी थ्रेट देगा और आपका रुक फोर्सफुली a1 लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रुक कहीं और खेल दिया सपोज, तो यहाँ पे पॉन प्रमोशन और उसके बाद सिंपल ब्लैक विनिंग होगा। Re1 के बाद ब्लैक खेलेगा किंग c8। अगर किंग c8 ब्लैक नहीं करता है, मानो कि ब्लैक ने पॉन मूव किया, तो सिंपल b7 थ्रेट है, आफ्टर रुक b8 सिंपल रुक टेक्स पॉन और गेम ऐसे भी ड्रॉ होगी। तो यहां पे b7 को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले ब्लैक खेलेगा किंग c8, नेक्स्ट मूव व्हाइट की होगी g4, किंग b7, g3, किंग टेक्स पॉन, किंग g2। अब ब्लैक ट्राई करेगा कि उसके किंग को यहां तक, मतलब b3 पे लाके सपोर्ट करके वो अपना रुक फ्री कर सकता है। तो सिंपल ब्लैक खेलेगा किंग b5, वाइट प्लेड किंग h3, बट आफ्टर किंग b4 रूक टेक्स a2 और यहां पे आफ्टर रूक टेक्स रूक, व्हाइट हैज नो मोर मूव्स और ये गेम हो जाती है स्टेलमेट। तो ये एक स्टेलमेट की बहुत ही बढ़िया पोजीशन थी। दोस्तों, मुझे लगता है ये गेम व्हाइट कैन विन द गेम, बिकॉज व्हाइट के पास दो कनेक्टेड पॉन है और बिशप भी है, तो रूक फॉर बिशप और टू पॉन, तो व्हाइट हार तो नहीं सकता बिल्कुल, व्हाइट जीत सकता है, लेकिन ब्लैक को इस गेम को, व्हाइट को जीतने से रोकना है। तो ब्लैक सबसे पहले पॉन टेक्स पॉन करे। अब व्हाइट के पास बेस्ट चॉइस है बिशप टेक्स पॉन। अब इसके बाद की जो मूव है बहुत ही ब्रिलियंट है, जिससे आसानी से, मतलब किसी को मिलने वाली नहीं है मूव। आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि अब ब्लैक क्या खेला होगा। आई थिंक सभी लोगों को रुक e1 चेक और रुक c1 लाइक दिस, लेकिन यहाँ पे ब्रिलियंट मूव है रुक d7। रुक d7, अगर व्हाइट ने पॉन टेक्स रुक किया तो सिंपल स्टेलमेट हो रही है, और अगर व्हाइट ने जैसे कि रुक को कैप्चर नहीं किया तो भी दोनों पॉन, जैसे कि अगर c7 खेला तो रुक टेक्स पॉन देन पॉन टेक्स और सिंपल गेम ड्रॉ होती है, और b7 में भी रुक टेक्स रुक इधर आ जाएगा और उसके बाद में ड्रॉ। तो यहाँ पे अगर व्हाइट कैप्चर करता है तो भी ड्रॉ है, नहीं कैप्चर करता है तो भी गेम स्टेलमेट होती है, ड्रॉ होती है। और भी पोजीशन बहुत मज़ेदार मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत अलग अलग पोजीशन जानने को मिलेगी आपको स्टेलमेट के बारे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का स्टेलमेट, क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऐसे होती है
जो हमारे दिखने में पहले हमें लगता है कि हम गेम लॉस हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा डीप में कैलकुलेट करते हैं तो गेम को कई बार स्टेलमेट करके हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे पोजीशन आपको देखनी जरूरी है। ये एक ब्रिलियंट एंड गेम है दोस्तों। जहाँ भी गेम में स्टेलमेट और कैसे करना है, सबसे पहले इट्स वाइट टू ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ये गेम जीत सकता है। दो कनेक्टेड पासपोन है ब्लैक के पास और सेम कलर का बिशप है, तो विनिंग पोजीशन तो ब्लैक के हाथ में है क्लियरली। लेकिन वाइट बहुत जबरदस्त खेलता है इस गेम में। बिशप C3 चेक फर्स्ट आफ्टर किंग D1 और यहाँ पे किंग B1। अगर बिशप टेक्स पॉन वाइट ने खेला, जैसे कि बिशप टेक्स पॉन, बिशप टेक्स देन किंग B2 और ये पॉन लेने का ट्राई किया, लेकिन बिशप टेक्स A5 ब्लैक विल विन सिंपल। किंग C2 और उसके बाद बिशप टेक्स बिशप और पॉन पुश चेक और B1 क्वीन बन रही है। तो ये बिशप टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं है इसमें वाइट की ओर से। तो यहाँ पे वाइट ने बेस्ट मूव चूज किया है किंग B1। किंग को एंट्री नहीं देनी है। आफ्टर किंग B1 ब्लैक प्लेड A4, A4 के बाद बिशप F6। व्हाइट ने ट्राई किया कि आफ्टर बिशप टेक्स बिशप सिंपल स्टेलमेट की पोजीशन है, तो बिशप F6 यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो सकता ब्लैक की ओर से। तो यहाँ पे ब्लैक ने क्या खेला है, बिशप F6 के रिप्लाई में बिशप C7 किया है, बिशप E5 फिर से सेक्रीफाइस की थ्रेट, बिशप B6, बिशप D4 अगेन, बिशप A5, बिशप C3 वन मोर चांस। यहाँ पे ब्लैक ने ट्राई किया कि चलो बिशप सेक्रीफाइस कर देते हैं और A3 कर दिया। आफ्टर बिशप टेक्स बिशप सिंपल पॉन पुश चेक देन किंग विल कम टू द C2। तो यहाँ पे A3 ये ट्राई किया लास्ट ट्राई, बिशप टेक्स A5, A2 चेक, किंग A1, आफ्टर किंग C2, बिशप C3 वन मोर ब्रिलियंट, और आफ्टर किंग टेक C3 स्टेबल। तो ये कनेक्टेड पॉन के सामने भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये थिंकिंग आपके पास होना जरूरी है कि सामने वाले के कोई ऐसे पीस को हमारे नजदीक लाया जाए या फिर हमारे किंग के स्क्वायर को कट कर दे। ऐसी पोजीशन में अपोनेंट का किसी भी पीस को हम डिकॉय करके हमारे पास ले आए, तब हम स्टेलमेट कर सकते हैं। स्टेलमेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ट्राई होता है कि हमारे खुद के ही किंग के जो भी मूविंग स्क्वायर है उसे हम अपोनेंट के किसी पीस को वहां नजदीक बुला के डिकॉय करके अपने किंग के सारे स्क्वायर्स ब्लॉक करवा दे और हम अपने सारे मूव खत्म करवा दे विदाउट एनी चेक। और भी देखते दोस्तों दोस्तों ये गेम 1992 में खेली गई थी। झांसा नाम का प्लेयर है, व्हाइट से खेलता है। व्हाइट ने सोचा है कि A6 आफ्टर किंग F3 टोटली होपलेस होता है मूव, क्योंकि यहाँ पे रुकने पॉन को कंट्रोल कर रखा है। ब्लैक के पास दो कनेक्टेड पास पोन है, आसानी से ब्लैक कैन विन दिस गेम। तो यहाँ पे व्हाइट ने डिसाइड किया कोई टैक्टिकल मूव। तो सबसे पहले व्हाइट प्लेड रुक E2। अब ब्लैक को कंपलसरी रुक टेक्स A5 करना पड़ेगा। अगर रुक टेक्स रुक किया तो ब्लैक सिंपली गेम लॉस हो जाएगा आफ्टर किंग टेक्स रुक, और ये पास पोन सिंपल विनिंग की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक ने फाइनल मूव बेस्ट मूव सोची है, रुक टेक्स पॉन। आफ्टर रुक टेक्स A5 वन मोर ब्रिलियंट मूव रुक A2 और फोर्स एक्सचेंज। देखिए यहाँ पे, क्योंकि रुक की फाइल में रुक साइड में नहीं मूव कर सकता वरना वैसे ही लॉस हो रहा है, बट आफ्टर रुक टेक्स रुक वाइट विल इन स्टेलमेट, क्योंकि किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है और पॉन भी ब्लॉकेड है। तो कितनी ब्रिलियंस इस गेम में थी कि मिडल गेम में भी स्टेलमेट हो सकती है। ज़्यादा पॉन्स है, पीसीस है, फिर भी स्टेलमेट की पोजीशन कई बार आ सकती है। इसीलिए आपको स्टेलमेट की ओर बहुत ध्यान देना है। जब भी आप गेम में माइनस होते हो तो स्टेलमेट के बारे में जरूर सोचना है।
अब दोस्तों ये पोजीशन, ये गेम तो आपको बहुत याद रहने वाली है, बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंस इसमें व्हाइट ने दिखाई थी। ब्लैक ने ट्राई किया था सिंपल बिशप सेक्रीफाइस करने के बाद, ब्लैक ने काउंट किया है कि h4 h3 h2 थ्रू आउट पास पोन क्लियर है ब्लैक के पास। तो ब्लैक ने सबसे पहला मूव यहां पे खेला था h4 और यहां पे रूक क्वीन टेक्स d6, उसके बाद क्वीन g2 फर्स्ट चेक, व्हाइट प्लेड किंग b3 और नेक्स्ट मूव h3। एंड तक देखिए, बहुत मजा आएगा इसमें। क्वीन d7 चेक, किंग g8, किंग g6 अगर जाता है तो क्या हो रहा है यार? किंग g6 होपलेस है क्योंकि f5 चेक, देन किंग h5 फोर्स मूव है और बिशप f4 और वाइट सिंपली ये पॉन को कंट्रोल कर रहा है और आफ्टर क्वीन से स्क्यूअर करके पॉन मर जाता है। तो यहाँ पे फोर्स मूव देखिए, फोर्स मूव क्या है? किंग g8, किंग g8 के बाद वाइट ने क्या खेला यहाँ पे? f5, एक वेटिंग, और ब्लैक प्लेड हियर h2, एक ही मूव दूरी है क्वीन बनने में, ओनली वन मूव। अब आप सोचोगे, वीडियो पॉज करके देखिए, ये व्हाइट क्या कर सकता है? सिवाय ड्रॉ के अलावा व्हाइट के पास और क्या मूव है? भले ही बिशप एक्स्ट्रा है लेकिन यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त मूव व्हाइट ने ढूंढी, बहुत ही जबरदस्त, बिशप g5। अब देखिए, पॉन टेक्स बिशप और क्वीन टेक्स बिशप दो ऑप्शन है। पॉन टेक्स बिशप में f6 और उसके बाद क्वीन g7 मेट हो रही है, लाइन क्लोजिंग हो रही है और जिसे अनस्टॉपेबल मेट भी आप कह सकते हैं। और क्वीन टेक्स बिशप में क्वीन c8 चेक, देन किंग गोज एनीवेयर, क्वीन c7 और क्वीन टेक्स पॉन, उसके बाद 3 पॉन वर्सेस 1 पॉन रहेगा और व्हाइट के हाथ में गेम वैसे भी एंड गेम में आ जाएगी। तो बिशप मारना अलाउ नहीं है यहाँ पे दोस्तों। बेस्ट ऑप्शन ब्लैक के लिए एक ही है, वो अपनी क्वीन जल्दी से जल्दी प्रमोट कर दे। क्वीन बनने के बाद h1 क्वीन, अब मजा आएगा। यहां पे सारे मूव फोर्स है, क्वीन e8 चेक, किंग g7, क्वीन g6 चेक, किंग f8, क्योंकि h8 तो आप देख सकते हैं सिंपल बिशप चेक मेट है, तो किंग f8 फोर्स आफ्टर क्वीन f6 चेक। अगेन किंग कैन नॉट गो टू d8 बिकॉज क्वीन इज 7 चेकमेट, तो किंग के पास फिर से वही चाल आई है g8 की, क्वीन d8 चेक, किंग g7, फिर क्वीन e7 चेक, किंग g8। इसमें आप ध्यान से देखिए कि ब्लैक के पास दो दो क्वीन है, अगर व्हाइट ने जरा भी उसे चांस दिया तो फिर ब्लैक आराम से गेम जीत जाएगा, क्योंकि दो क्वीन है, बहुत सारी जगह से चेक मिल सकते हैं, क्वीन एक्सचेंज हो सकती है और क्लियर कट विनिंग है ब्लैक के हाथ में। लेकिन व्हाइट ने बहुत ही बेहतरीन मूव इसमें एंड गेम तक खेली थी, तो आफ्टर किंग g8 क्वीन d8 चेक दिया व्हाइट ने, किंग g7, क्वीन e7, किंग g8, क्वीन e8 चेक, किंग
G7, यहाँ पे अगर किंग H7 जाता है तो सिंपल चेकमेट है, क्वीन G6 देन बिशप F6, तो किंग G7 खेला है व्हाइट ब्लैक ने और फाइनल बेस्ट ऑप्शन F6 चेक, और किंग H7, क्वीन F7 चेक, किंग H8 और क्वीन G7 चेक। बहुत ही मजा आया था ये गेम देखने में दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी गेम्स आपके सामने मैं अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। जो भी चेस के इंटरेस्टेड प्लेयर है, जो लोग IAM या GM बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सहायता होगी मेरे वीडियो से। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।